हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी चना दाल तड़का फ्राई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कप चना दाल ली थी, उसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। तो ये दाल थोड़ी सी फूल गई है, तो अब ये दाल लेके हम कुकर में ऐड कर लेंगे। और अगर मैंने यहाँ पे एक कप चना दाल ली थी तो हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। ये रेशियो आप याद रखें। अब इसे हमें उबाल लेना है, तो ये 3 कप हो गए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच है ये। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और 1 चुटकी हींग। तो जब भी आप दाल उबालें तो उसमें 1 चुटकी हींग जरूर ऐड कर दें। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी हाई फ्लेम पे आने देंगे। फिर हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे और उसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। और फिर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और खुद ब खुद इसका प्रेशर खुलने देंगे। तो ये देखिए, मैंने ढक्कन खोला है तो दाल मेरी अच्छे से पक चुकी है, एकदम मैशी नहीं हुई है ये देखिए, लेकिन ये अच्छे से गल चुकी है। तो आप भी इसी तरह दाल उबाल के रेडी कर लें। अगर आपकी दाल थोड़ी भी कच्ची हो तो आप 1 सीटी और लगा लें। तो यहाँ पे दाल रेडी है, तो इसे मैंने साइड में रख दिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी ले ली है। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये तड़का आप देसी घी में लगाएं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो घी अच्छे से गर्म हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच साबुत जीरा और 1 तेज पत्ता ऐड कर देंगे। और जीरे को इसमें अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए, जीरा अच्छे से चटक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 बारीक कटा हुआ लहसुन। इस तड़के में लहसुन का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो पहले लहसुन ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, कि इसका थोड़ा सा एरोमा आ जाए और थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगे। ये देखिए, इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये देखिए, थोड़ा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज अपनी। अब इसे भी हमें हाई फ्लेम पे 3 मिनट तक पका लेना है लगातार चलाते हुए, कि प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए, ये थोड़ा थोड़ा पिंकिश हो जाए। तब तक हमें इसे पका लेना है। ये देखिए, कलर इसका कैसे थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया था, और 3 से 4 हरी मिर्ची है, जिसे कि मैंने लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे हरी मिर्च को बारीक भी काट के ऐड कर सकते हैं। और अदरक इसमें ग्रेट करके डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे भी 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छे से, कि अदरक का भी कच्चापन इसमें निकल जाए। तो लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। और देसी घी की इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये जब भूनता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो देखिए, इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, ये देखिए। तो ये सही स्टेज है कि अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाले। तो हल्दी पाउडर ऑलरेडी मैंने ऐड किया था, तो इस स्टेज पे हम 1/4 चम्मच ही हल्दी पाउडर लेंगे। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर भी मैंने लिया है। अब इसको भी हम यहाँ पे भून लेंगे थोड़ा सा। मसाले अगर ऐसे ही घी में इस स्टेज पे भून जाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, अब ये मसाले भी इसमें भून चुके हैं, तो अब हम तुरंत इसमें टमाटर लेके ऐड कर देंगे। और ये 2 लाल टमाटर मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसे कि मैंने बारीक काट लिया है। और नमक ऑलरेडी मैंने इसमें ऐड किया था जब मैंने दाल को बॉईल किया था, लेकिन थोड़ा सा नमक अभी भी लगेगा, तो मैं यहाँ पे अंदाज से नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक एकदम स्वाद अनुसार ही ऐड करें। तो थोड़ा सा नमक मैंने दाल बॉईल करते टाइम डाला था, थोड़ा सा इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ।
अब इसमें टमाटर को हमें तब तक पका लेना है जब तक कि टमाटर एकदम अच्छे से गल ना जाए और ये घी ना छोड़ने लगे। तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है अच्छे से। ये देखिए टमाटर कैसे इसमें अच्छे से गल चुका है, एकदम मैशी हो चुका है ये। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, ये जो मैंने बॉईल करके रखी थी, तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ये दाल बॉईल हुई है, ये अच्छे से पक भी चुकी है, लेकिन इसके दाने जो है एकदम मैशी नहीं हुए हैं। कितनी अच्छी लग रही है ये दाल। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे, आधा कप मैंने अभी ऐड किया है, क्योंकि ये चने की दाल थोड़ी गाढ़ी होने लगती है पकने के बाद, तो उसी हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रखिए। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकने देंगे। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, तो ये कितनी टेस्टी दाल हमारी दिख रही है। तो लास्ट में हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। तो ये दाल हमारी बनके रेडी है, तो ये दाल फ्राई हमारी बनके रेडी है, लेकिन अब हमें इसमें तड़का लगाना है। तो इसे देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, तो इसके ऊपर से हम धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और फिर इसके बाद अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें 1 चम्मच ये देखिए मैंने देसी घी ले ली है, इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/3 चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है, इसको अच्छे से तड़कने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड की है 2 साबुत खड़ी लाल मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, ये देखिए कैसे इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वैसे ही हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। जीरा अच्छे से चटक चुका है, तब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सिर्फ 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है, गैस की फ्लेम एकदम बंद है। और तुरंत ये तड़का लेके हम दाल के ऊपर ये देखिए मैंने स्प्रेड कर दिया है, तो इससे क्या होगी कि हमारी दाल बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी, एकदम जैसे ढाबे या रेस्टोरेंट में हमें मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ये दाल लग रही है अभी इस टाइम। तो इसको आप प्याज नींबू हरी मिर्च के साथ सर्व करें, आप चाहें इसको चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए इसका तड़का कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए इसकी फाइनल प्लेटिंग मैंने कर दी है, मैंने चावल दही और थोड़े सलाद और ये दाल। तो आप भी ये रेसिपी बना के जरूर ट्राई करें।